and they made it very nice. Yeah. जो दिल में आ रहा है वो बोलो. मैं पूछता ना, थोड़े सवाल मेरे पास से बड़े टेढ़े क्वेश्चन क्या कहाँ से लाते हो? ओके हाय हाय हाउ आर यू गाइस डूइंग. थैंक यू वेरी मच मीडिया होल्डिंग में. थैंक यू कि आप यहाँ पे आए. मेरा नाम एके रहमान है. सी म्यूजिक और सी म्यूजिक की ओर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ. गाइस आज की शाम बहुत खास है, बहुत स्पेशल है, बिकॉज एक गाना जो अगर हम सब के बारे में बात करें तो हर एक को प्यार हुआ है कि नहीं? सबको प्यार हुआ है ना? एवरीबॉडी इज फॉलिंग इन लव. कुछ लोग बहुत बार प्यार में पड़ते हैं, तो ये वो गाना है जो आपके दिल को टच करता है, जो नॉस्टैल्जिक है, जो थोड़ा सा टच है. इट्स अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ सैडनेस, लेकिन बहुत सारा प्यार. एंड अगर आप इस गाने को सुनेंगे कहीं ना कहीं आपके दिल की तार को छू जाएगा. एंड ये वो गाना है तेरे बिन कीवे. इस गाने को बनाए कैसे शख्स ने, मैं इसके बारे में इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ दोस्तों. इन यहाँ पे हमारे साथ पायलट में तीन आर्टिस्ट हैं, इनफैक्ट चार आर्टिस्ट हैं, लेकिन एक ऐसे आर्टिस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ. एक आदमी जिसके बहुत सारे चेहरे हो. He is a musician, he is a music director, he is a composer, he is a lyricist. तुमने बहुत कुछ किया है भाई. मैं मतलब राम जी बड़ी शर्मीली आदमी है, लेकिन इनके बारे में क्या, बहुत शर्मीला आदमी है. और राम जी ने बहुत सारे गाने बनाए, ढेर सारे गाने बनाए, कुछ धमाकेदार, कुछ माइंड ब्लोइंग, कुछ फुट टैपिंग. और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके दिल को छूने के लिए इस गाने को बनाया. राम जी की आवाज ने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया. एंड इट इज ट्रेंडिंग ऑन नंबर 1 ऑन YouTube. एंड दोस्तों जिनके बारे में मैं तारीफ, इतनी सारी तारीफ कर रहा था, ये है द वन द ओनली राम जी गुलाटी. लेट्स गिव अ पिक्चर एवरीवन. और इस वीडियो में आए हाय हाय दो लोग हैं, मतलब एसेंशियली दो लोग हैं. एक तो जिनका नाम ही रिलेटेड है जन्नत से, मतलब भूल भरी जिनको देखकर कहता है कि अगर जन्नत होगी तो ऐसे होगी. सो जन्नत ज़ुबैर रहमानी का लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज़. वेरी गुड जन्नत, थैंक यू वेरी मच. यू लुक ब्यूटीफुल, यू एक्ट वेरी वेल. अगर उस गाने में रौनक आई है तो एसेंशियली आपकी वजह से, तो आपके एक्सप्रेशन से. और जो नटखट सा चुलबुला लड़का जो इनिशियली दिखाता है, हर माँ चाहिए कि ऐसा लड़का अपनी बेटी के लिए ढूंढे. तो और ये गाना आप देखेंगे तो यकीन मानिएगा मैं जो इतनी तारीफ कर रहा हूं, अगर ये तारीफ सच नहीं होती तो आज ये गाना ट्रेंड नहीं होता. तो राम जी आपसे मैं पूछना चाहूंगा, पहले तो ये बताओ कि इतना फील लाते कहां से हुआ ये गाने में, मतलब इतना प्यारा सा गाना है, टेल अस अबाउट इट. ये आई थिंक द सॉन्ग जो फील बनाया है यहां पे जो मेरे साथ दोनों बैठे हैं मिस्टर फैजल और जन्नत सुरेला, आई थिंक दे हैव टेकन द सॉन्ग फ्रॉम द लेवल. एंड कोशिश हमेशा करते हैं अच्छा गाना बनाए, और अच्छे गाने की वीडियो भी जरूरत होती है, एक अच्छे वीडियो और एक अच्छे वीडियो के अच्छे कलाकार की. सो आई थिंक दिस माइक इज गिविंग सम प्रॉब्लम, ऐसे बोल देता हूं. सो आई थिंक द एंटायर क्रेडिट गोज टू मिस्टर फैजू एंड जन्नत जुबैर. दे हैव लिट द वीडियो एंड स्पेशली लाइक टू थैंक जी म्यूजिक फॉर सपोर्टिंग अस दिस बिग. ओके ये तो आपने बता दिया बहुत अच्छे तरीके से, आपने पुट इन किया कि जन्नत और फैसू ने इस गाने को अलग लेवल पे पहुंचाया. लेकिन इस गाने में जो थोड़ा सा दर्द है, थोड़ा प्यार है, थोड़ा मोहब्बत का वो जो है, कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ से तो रिलेटेड नहीं है?
राम जी बता दो आज जी की शादी राम जी की शादी हो गई है आई थिंक हिंदुस्तान में सबका दिल टूटा हुआ है दर्द सबके अंदर है तो मेरे अंदर भी कुछ कुछ है जो मैंने निकाल दिया है That was beautiful and वो गाना अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि दर्द कहाँ पे था और उस प्यार को किस लेवल पे जन्नत पहली बार आपने इस गाने को सुना तो why you thought that you should be featured in the song? So let me tell you कि जब गाने को हाँ किया था तब मैंने गाना सुना ही नहीं था क्या बात है So आपने अभी अभी इतनी तारीफ की सर की तो you know ये आए इन्होंने बताया वही काफी था तो गाना सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ी you know when the man himself tells you and you know जब इनका गाना है तो मैं आपको बताऊं मैं दुबई जाने के बाद मैंने गाना सुना क्या बात है यू नो वैसे ब्लाइंड फेथ था मुझे कि भाई गाना तो सारे लोग रामजी के म्यूजिक पे इतना ही भरोसा है रामजी आई हैव टू टेल यू दिस आई हैव सीन यू एज अ म्यूजिक डायरेक्टर जो आपने कंपोज किया लेकिन पहली बार मैंने आपकी आवाज सुनी और वो आवाज को सुन के मुझे ऐसा लगता है कि बॉस ढेर सारे बॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर्स हैं दे विल बी हंटिंग फॉर रामजी की रामजी प्लीज गाना मेरे लिए गा ले यार तो बट थैंक यू जन्नत दैट वाज वेरी नाइस अब सुनने के बाद कैसा लगता है बहुत अच्छा लगता है मतलब गाना ये तो अभी आया है लेकिन उससे पहले भी हम इतनी बार सुन चुके हैं कि मुझे तो पूरा गाना याद ही है यू नो यू कीप हमिंग द सॉन्ग तो मतलब ये ऐसी गाना है कि आप एक बार सुनोगे ना तो आपको वो हम करने की आदत पड़ जाएगी एब्सोल्युटली आई वुड लाइक टू स्पेशली थैंक जुबेर जी जन्नत फादर एंड मैम फॉर बिलीविंग इन अस एंड दे वर सो सपोर्टिव थ्रू आउट द शूट दे वर ऑलवेज देयर एज यू नो स्टैंडिंग एज अ बैकबोन चाहे वी हैड facing some issues on the shoot but they were so strong and he's still been standing so strong with us and thank you Zubair ji I can't see you but I love you thank you man we love you and ye pehli baar tha mere kisi music album mein support karne meri puri family gayi thi puri family leke gaye the ram ji ko support karne ayan ayan oh, he's done a guest appearance in the song and he's an amazing child मैं तो बहुत खुश हूँ और जस्ट जब भी मैं फर्स्ट टाइम मिला था राम जी से सीसीडी में तो राम जी का तो मैंने काम पहले से देखते आ रहा हूँ और मैं समझ गया था कि मतलब ये सॉन्ग जाएगा फिर पाजी ने अपने ऑफिस में ही बुलाए थे मुझे सॉन्ग सुनाए थे मैं पाजी को बोल दिया था पाजी ये हिट है और ये ट्रेंडिंग जाएगा मैं वो सॉन्ग सुन के इतना अच्छा फील आ रहा है कि मतलब ऐसा लगता है बार बार सुनते रहो उस सॉन्ग को इतना अच्छा लगता है सुन के तो बस बाजी के साथ लग गए हम भी तो इस शूट में सबसे चैलेंजिंग क्या आपने ये आप लोगों को ये बता दूं कि ये दुबई की गर्मी में इसको शूट किया गया था अच्छे एक्जॉटिक लोकेशंस में शूट किया गया था व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट द शूट इन दुबई सबसे बेस्ट पार्ट आई थिंक द बेस्ट पार्ट वाज रामपुर नो आई मस्ट से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो शूट आपके जो डायरेक्टर कर रहा है उससे ना बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर डायरेक्टर अच्छा नहीं हो तो कोई शूट अच्छा हो ही नहीं सकता क्योंकि जब तक आप कंफर्टेबल ही नहीं होंगे दो दिन का शूट है अगर कंफर्टेबल होने में दो दिन लग गए तो भाई एल्बम तो शूट होगा एब्सोल्युटली सो आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज I think Jannat put it very beautifully. So sweet of her. Jannat has put it very beautifully because मैं हमेशा जब मैं shows host करता हूँ इनको आज मैं बता रहा था कि एक protagonist जो होता है एक show host करने के लिए एक protagonist होता है इस video में जो protagonist है वो राम जी है and आप वो उसको पूरे किरदार को उन्होंने इतने beautifully उन्होंने ये किया था जहाँ पर आपकी romance चल रही है ये है and राम जी in front of the car describes and वो बोलते हैं ना एक कलाकार जैसे उसको ब्यूटिफुली यू नो रच रहा है वैसा इन्होंने किया था राम जी दैट वाज सो ब्यूटिफुल यार एंड एक चीज़ आपको राम जी के बारे में जो लगता है कि बस ये बहुत ही नटखट सिंगर है क्या है नटखट सिंगर अभी तो एक सॉन्ग आने वाला है वो बहुत जल्दी उसमें राम जी का सब पता चला है तो अभी इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी उस पर भी काम करेंगे अभी इसे बताना नहीं है इस बारे में कुछ I love both of them so much that I'm going to back to back work with Faizu and Jannat and it's always going to be my pleasure working with them they are so both good artists you know and they are magical brilliant just want to say acha Faizu ek cheez aap bataye ki agar hindustan mein log bar bar is gaane ko sunna hai to kyun sunna hai kyunki us gaane mein feel hai jab main बनाते समय मैं पाजी को जब हम लोग शूट कर रहे थे ना तो उस वक्त ही मैंने 20 से 30 बार सुन लिया था वाओ शूट करने से पहले और शूट हुआ भी नहीं था वो इतना अच्छा लग रहा था सुनने में तो मैं तो बोल दिया था पाजी को कि मतलब
ये जाएगा. एंड आप इसके बारे में क्यों सुने इस गाने को? आई थिंक इसका कोई एक फैक्टर है ही नहीं कि क्यों सुना. आई थिंक हर चीज़ इतनी ब्यूटीफुल है. आप अगर ओवरऑल देखें वीडियो तो ओवरऑल वीडियो बहुत ब्यूटीफुल लगता है. यू नो बीट एनी थिंग बीट द लिरिक्स द म्यूजिक द सिंगर द एक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट नो एवरीथिंग आई मस्ट से. I'm not saying it because I am in the video or anything like that, but actually the song is so beautiful and it's shot beautifully. I think the whole team has worked so hard aur itna acche sabne apne inputs dal rahe hain ki song itna acha lag raha hai. So I think the credit goes to the whole team, the entire team, and I really miss them now. Very beautifully put, Jana. Acha Ram ji, ek cheez mujhe batao, aap kya matlab kaun sa kirdar sabse behtareen aap nibhate ho? Music creator, music director? I am just a music composer. Gana mera shauk hai. I am not a singer. I have never learned singing, but मेरे अंदर एक feel है, बस वही feel इस गाने में, and I hope you. And ये जो video इतना beautiful video बनाया है, वो United White Flag Music Entertainment and more है, इनके 10 साल आज celebrate हो रहे हैं, so let's give a big cheer for them. Fantastic. And हम Tranquil को भी thank करना चाहते हैं, this beautiful venue जहाँ पे हम इसे हम celebrate कर रहे हैं, so I think उनके लिए भी एक big round of applause. एंड फाइनली दोस्तों इसे देखिएगा, अगर आपके पास कोई सवाल है आप इनसे पूछ सकते हैं. लेकिन एक चीज बताना चाहता हूँ, इट्स ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब एंड इट्स ऑन नंबर वन. बेहतरीन गाना है फैसल जन्नत एंड रामजी, हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब. एंड इसे आगे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, एंड इंशाल्लाह इट्स गोना बी अ मच बिगर हिट. थैंक यू सो मच. ही इज द लव गुरु एंड टुडे ही इज विद अस. अगर आप लव गुरु सुनते थे रेडियो पे, ही इज द मैन. एंड गाइस इट्स अ थैंक यू. आई वुड लाइक टू थैंक जी म्यूजिक, प्रतीक हु गॉट ऑल ऑफ अस टुगेदर, सलीमस्तान, पारुल, लव यू, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस ऑलवेज, एंड ट्रैंक्विल. एंड इससे पहले यू नो एक बात तो बताना भूल ही गए, आप बारातियों का नहीं बारातियों का स्वागत छोड़िए, अयान का स्वागत करें, बिकॉज़ ही इज वन हैंडसम गाय जिनको देयर इज अ लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अयान. अयान कम हियर. Ayan? Call him on the mic, he must be here. Ayan, kahan ho yaar? Ayan, aa jao. De do thoda sa dhyan. Aapke bina yahan pe bahut suna suna lag raha hai. Oh, in the meantime, kisi ko sawal puchna hai, please. Yeah, you have a question. एक्चुअली मेरी सच्ची बोलूँ तो कोई आज एक्सपेक्टेशन थी कि ट्रेंड पे आएगा, कि नंबर वन पे आएगा, मैंने ये नहीं सोचा था. एंड अगेन आई वुड लाइक टू वंस अगेन लाइक टू थैंक फैजू एंड जन्नत, दे हैव सच ह्यूज फैन फॉलोइंग एंड दे हैव डन सच अ ब्रिलियंट जॉब इन द वीडियो. एंड आई थिंक ओवरऑल जी म्यूज़िक को थैंक्स देना चाहूँगा. एंड हमने जितनी मेहनत की सबने साथ में मिल के, चाहे वो ऑडियो पे हो वीडियो पे हो, वो इट्स पेड बैक. एंड I literally had tears in my eyes when I saw that hashtag number one trending. So, that's so cute. So I think it's very special for all of us and it's been a magical day. You know, I think जो भी चीज़ आप दिल से लगन से और बहुत ही मेहनत से करते हैं, it will prove successful and that's exactly number one is. बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छे कमेंट्स मिले. मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा है कि मतलब कमेंट्स अप टू 40,000 हो गए. ओह वाओ, ओह रियली वाओ, दैट्स ग्रेट. लाइक 5.5 लाख, 5.5 लाख और ट्रेंडिंग तो है. मतलब लोगों ने मुझे मेरे पास होने पे इतना कांग्रेचुलेशंस और मैंने जब पहले के जितना के सॉन्ग पे कर रहे हैं, सो व्हिच वाज लिटिल स्ट्रेंज फॉर मी, बट आई एम रियली हैप्पी. और मैं ये नहीं बोलूंगी कि एक्सपेक्ट नहीं किया था, पूरा एक्सपेक्ट किया था और बहुत मेहनत की थी, तो अब जब उसका फल मिल रहा है तो बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है. मैं तो ये बोलूंगा, मुझे पता था कि हर जगह ट्रेंड में रहेगा, हालांकि टिकटॉक बहुत यूज करते हम लोग, तो अभी मेरे एक्सप्लोर में सिर्फ वो गाना ही दिख रहा है. लोग सारे लोग मतलब उसी चीज़ को मतलब छोटा छोटा क्लिप कट करके उसको टिकटॉक पे डाल रहे हैं, हर जगह मतलब जहाँ जो एप्लीकेशन पे देख रहे हो सॉन्ग दिख रहा है मुझे. अच्छा, इंडस्ट्री में कमेंट्स की बात करें तो कुछ आए इंडस्ट्री से कमेंट्स, और अगर हम मिले तो क्या कहेंगे? कमेंट्स इतने हैं कि पढ़ ही नहीं पाएंगे इंडस्ट्री से. अरे मुझे सबके बहुत अच्छे कमेंट्स हैं, जिनके भी आए
सब कॉम्प्लीमेंट्स ही आए और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे लिए आए या फिर यू नो किसी पर्टिकुलर, आई थिंक ओवरऑल वीडियो के लिए आए, यू नो सबके लिए आए, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा अचीवमेंट है कि किसी को पर्टिकुलरली नहीं बोला जा रहा कि यार ये चीज़ अच्छी लग रही है बाकी इधर कमी रह गई. जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं वो ओवरऑल पूरी वीडियो के लिए आ रहे हैं, विच आई थिंक इज ग्रेट. She's not moving from that platform. सर कुछ भी नहीं करते, जो करते सुनो तो सही. टिकटॉक स्टार बहुत है मगर प्रोफेशनल वीडियो हर कोई नहीं बनाता है. और मुझे मैं जो काम कर रहा हूँ टिकटॉक पे और जैसी मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैंने मेरी एक्सपेक्टेशन थी और मैंने सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा. ऐसे वो वैसे कंटेंट क्यों बनते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं वैसे कंटेंट बनाने से वायरल होंगे, मगर अभी वो भी उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन आ गए टिकटॉक पे, तो अभी वैसी सारी वीडियोस तो ब्लॉक हो जाती है और अभी लोग भी कम कर दिए बनाना. I think it's great and उसका फल भी दिख ही रहा है हमें. और आने से पहले ही इतना प्यार मिल रहा था, जब हमने पहला लुक डाला था कि हम जस्ट ईद आ रहे हैं तभी से इन्होंने मुझे नेक्स्ट डे शूट पे बोला कि मुझे तो कॉल आने लग गए कि वाह दिस इज गोना बी ग्रेट, दिस इज गोना बी एपिक. और तभी से मैं बोल रहा हूँ इतना लोग वेट कर रहे थे और हैशटैग भी इतने पिक्चर्स एंड ऑल, मतलब आप ये एक्सपेक्ट करते कि जब गाना आएगा तो बड़ी हाइप मिलेगी, लेकिन इसको तो आने से पहले ही इतनी हाइप मिली हुई थी कि आई वाज लाइक ओके दिस इज समथिंग. ओके पैसों आपसे जानना चाहेंगे, एक बार पैसों आपसे जानना चाहेंगे, आपका ये फर्स्ट डेब्यू है एल्बम, तो कितना यू नो नर्वसनेस थी एक्टिंग करने के लिए जन्नत के साथ? जन्नत ने आपको कुछ ट्रेनिंग या टिप्स दिया था? थैंक यू. हां जन्नत तो एक्टर है तो तो उसने मुझे उसने बहुत हेल्प की है इस चीज में. सो कितना मजा आया व्हाइल शूटिंग और कितनी नर्वसनेस? शुरू में थोड़ा डर लग रहा था. मैं शूट नहीं कर पा रहा था शुरू में अच्छे से और मैं कंफर्टेबल भी नहीं था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कैमरा फेस कर रहा था, हालांकि हमेशा मैंने मोबाइल ही फेस किया है. तो जन्नत ने भी मुझे बहुत बताई है कि ऐसे से ऐसा करो ऐसे से, तो थोड़ा थोड़ा करते करते हो गया. आई थिंक मुझे तो गर्मी पे ध्यान देने का टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं और चीज़ों को इतना इन्जॉय कर रही थी म्यूजिक को और काम को, फिर हम इतना घूमे तो आई थिंक मेरा बिल्कुल ध्यान गया ही नहीं धूप में या फिर गर्मी में. पूरा ध्यान तो शूट पे ही था. जल्दी से एकदम फोकस था. फोकस्ड आर्टिस्ट है, इनको ठंडी गर्मी इनको कोई मायने नहीं रखती. ओके राम जी, फैशन को जन्नत को लेने का कोई मोटिव कुछ ऐसा था जो इन दोनों को आपने चूज किया? नहीं, आई जस्ट कुड इमेजिन बोथ ऑफ देम लुकिंग गुड एंड आई थिंक ही इज द किंग एंड शी इज द क्वीन ऑफ टिकटॉक, दैट्स व्हाट पीपल कॉल. एंड आई कुड जस्ट इमेजिन देयर केमिस्ट्री लुकिंग वेरी गुड. And Jannat is such a, I think she's a very, very, very good actor. And जब ये रोते हैं वीडियो में तो आपका किधर ना किधर दिल रोएगा साथ में. So I think she is done absolutely very, very well. I think emotional actresses में she is one of the best actresses. And इनकी smile पे, फैजू की smile पे मतलब उधर ख़त्म हो जाती है बात. So the entire package came out so nicely and the way you know basically how फैजू is. जैसे फैजू का इमेज है कि ही इज ऑलवेज विद हिज फ्रेंड्स यू नो, सो वी केप दैट लिटिल इनटेक इन द वीडियो दैट यू नो ही इज ऑलवेज विद हिज फ्रेंड्स. बट वो आप प्लीज डायलॉग बोल के सुनाइए सबको, आई थिंक दैट विल कम वेरी नाइसली. हां डायलॉग बोलो. हां मैं आपसे बहुत इसमें बोलूं? हां हां बोलो. ऐसे ही बोल दो. हां मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और मैं मेरे दोस्तों से भी बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि
मेरे दोस्त हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। बल्कि पता है कितने कमेंट्स आए कि वाह मैं तो कितना रिलेट करता, अरे मैं जा रहा हूँ, मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड बुला के बोलूंगा। सो दिस इज बेसिकली अ रियलिटी एंड दिस इज हाउ पीपल वुड लव टू सी इट एंड कनेक्ट टू बोथ ऑफ देम, यू नो, इवन टू जन्नत, इवन टू फैजू, इवन इन द रियल लाइफ एंड द रियल लाइफ। ओके, फाइनली भी सारे सवाल तो पूछे गए थे अयान से, एक सेकंड अयान से सवाल पूछना है। अयान, आपकी क्या राय है इसके बारे में, बिकॉज़ यू आर द मेन स्टार, ये सब तो ऐसे ही मतलब ठीक है, आप बताओ कैसा लगा। एक्चुअली मैं भी वहां पे जाकर सोफी के फर्स्ट एल्बम थी जिसके अंदर मैं गया था वहां पे शूट पे, और वो फर्स्ट एल्बम आई डोंट थिंक सो अगले जो भी एल्बम होंगे तक की जितनी भी एल्बम शूट करी होंगी उसके अंदर इतना मजा आया होगा जितना इसके अंदर आया। क्या बात है, आई लव यू यार। अगर एक ट्रिकी सवाल पूछोगे, who's a better actor, जन्नत या फैजू? सच्ची सच्ची बताना, not because she's your sister. और रामजी? नहीं नहीं, मैं भी नहीं। Actually दोनों भी नहीं, मैं हूँ। आयान बोलेगा मैं हूँ। There are options on none of the above. आयान? आपकी stories, आयान की और आपकी जन्नत की काफी देखी गई Insta पे, सभी आयान और आपकी दोनों की story काफी देखी गई Insta पे। अच्छा। क्या ये भी कह दूँगा सर? राम जी आप भाई बहन पे भी गाना बना, रक्षाबंधन पे रिलीज करेंगे। Done, lock. What an idea. बैठे बैठे आपने इतना अच्छा idea दिया इसे. क्या बात है. ले लो इनको creative team में. Announcement भी हो गया. YouTube पे और 50 million आ गए. Finally जन्नत आया. जन्नत आया. आपके fans को क्या message देंगे? जन्नत और फैजू क्या कह रहे हैं, काफी सोशल मीडिया पे आप दोनों काफी एक्टिव रहते हैं, काफी गॉसिप चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, इस तरह से तो लेते हो देयर इज इवन गिवर अबांगी गाइस प्लीज। जन्नत और फैजू आपके फैंस आपको हाय बोल रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? सॉन्ग प्रमो, आर यू लाइव? यस वी आर हाय, साथ में साजिश पे आप लोग लाइव हैं। ओके, तो अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सॉन्ग ऑलरेडी ट्रेंड कर रहा है, बस ऐसे ही प्यार करते रहो, हमेशा ऐसे करते हो आप लोग। थैंक यू सो मच, गाना नंबर वन ट्रेंड कर रहा है एंड वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच, प्लीज इसे और शेयर करो और प्लीज मेक श्योर कि ऐसे अभी और कुछ दिन नंबर वन ट्रेंड करता रहे। राम जी अगली एल्बम कब आ रही है? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, वेरी वेरी सून, पहले तो हम इसका मजा ठीक से ले लें। ओके राम जी, लास्ट तो लाइन अगर गा दोगे तो फैंसिंग ऑल टुगेदर फॉर सिक्स। अरे फैजू और जन्नत बहुत अच्छा गाते हैं, मैं तो गाता ही हूँ, इनसे गवाओ। हाँ स्टार्ट करें, ऑल राइट लेट्स गो, चलिए 1 2 3 कौन सी लाइन, टू पुश स्टार्ट, जो स्टार्ट से कर लो, 1 2 3 तू खुश रह लेन मेरे बिना, पर मेरा ना तेरे बिन सरदा, मैं लख समझावा इस दिल नू ए मेरी ना परवाह करदा, वे गल सच्ची है सजना, वे गल पक्की है सजना, रोज मैं अखां परांगी, मैं तेरे बिन कीवे रवांगी, साजस कीवे लवांगी, मैं तेरे बिन कीवे रवांगी, साजस कीवे लवांगी। थैंक यू वेरी मच, बिग थैंक यू टू ऑल द मीडिया। सो वी विल बी शोइंग द सॉन्ग व्हिच इज ऑन द राइट साइड आफ्टर दिस, प्लीज एवरीवन Like, all right, thank you. Thank you. Thank you.
मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा किसी का, हाँ कॉल भेजने वाला है। राम जी की वजह से यहाँ पर आई हूँ और उसके यू नो राम जी को मैं बहुत पहले से जानती हूँ, तो उन्होंने वील टेक दिस अगेन प्लीज, बहुत नॉइजी है। यस 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 सेम क्वेश्चन। अरे यार पूछ से ऑडियो खराब हो रहा है, बोल नहीं सकते डीजे को। पहली बार तो गाना बहुत ही अच्छा है, पहली बार रामजी भाई का कोई भी गाना बुरा होता ही नहीं है, और इसमें सोने पे सुहागा था फैजू और जन्नत जुबैर। जन्नत ऑलरेडी एक आर्टिस्ट थी लेकिन फैजू टिकटॉक से बाहर निकलकर आर्टिस्ट बन गया, ये टिकटॉकर्स के लिए बहुत ही गर्व वाली बात है, प्राउड मोमेंट है हमारे लिए एक्चुअली, हमारे लिए टिकटॉक का गौरव और बढ़ गया। हाँ जी, तो जैसे ऐसा मुझे बोला करते थे तू टिकटॉकर लेकिन तू तेरी फिल्में आती हैं, तो फैजू एक अनदर टिकटॉक को अनदर लेवल पे लेके गया है, एक ऐसा म्यूजिक वीडियो ला के, तो अच्छा लगता है कि कोई टिकटॉकर ये काम जो उन्होंने किया है तो इसकी वजह से बहुत सारे और जो टिकटॉकर्स हैं उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात। टिकटॉक एक नए हाइट्स पे गया बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स, और आज यूट्यूब पे नंबर वन ट्रेंड कर रहा है उनका गाना, तो सारे टिकटॉकर्स को एकदम प्राउड फील करना चाहिए इस बारे में कि और मोटिवेशन लेना चाहिए कि हमें भी कुछ ऐसा करना है, सिर्फ टिकटॉक नहीं करते रहना। बिल्कुल पहली बात तो ऐसा लगा था कि डर सा लग रहा था जिस दिन प्रीमियर पे गया था कि अच्छे कमेंट्स आएंगे बुरे कमेंट्स आएंगे, लोग बुराई तो नहीं कर देंगे, पहली फिल्म में बुरी पिक तो नहीं जाएगी, लेकिन जब पहली बार अपने आपको स्क्रीन पे देखा तो सब कुछ भूल गया और इट वॉज़ अ डिफरेंट फीलिंग। देखो अभी मुझे गूज़बम्स आ गए, वो एक अलग फीलिंग थी अपने आपको देखने का, मुझे नहीं पता मैं कैसा था लेकिन अब तक एक भी ख़राब कमेंट नहीं मिला है, और जिसने फिल्म देखी है तारीफ ही हुई है, उसने एक ही डायलॉग बोला है, एक ही बोला है कि तेरी तो तेरे बाप ने ले ली, तो सभी को बहुत ही अच्छा लगा कैरेक्टर, और इससे मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ है और काफ़ी फिल्मों के ऑफर्स आए हैं, कुछ चीज़ें लाइनअप में भी हैं, तो बस दे दे प्यार दे मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, और आई एम हैप्पी कि लव सर हैड अ ट्रस्ट ऑन मी। हाँ कुछ ऑफर हुए हैं लेकिन वी आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, और ऐसे हम कोई भी चीज़ तो नहीं उठा सकते, तो एक अच्छा कोई गाना विद अच्छा सिंगर अगर कोई आए तो हम वो उठाएंगे ज़रूर, और वैसे एक चीज़ लाइनअप में है वो जल्दी देखने मिलेगी तीन तिगाड़ा की, तो हाँ तो ऐसा है कि हमें शायद वन ऑफ फ्यू ग्रुप्स हैं टिकटॉक पे जिनको कभी हेटरेट नहीं मिलता टिकटॉक पे, उनमें से हमें क्या है एक हमारे कमेंट सेक्शन खोल लो एक भी बुरा कमेंट नहीं होता, यानी किसी हर किसी के इस पे बुरा कमेंट होता है, तो बस यही है हमारे ऑडियंस को हमारे फैंस को कि जिस तरह अब तक हमें प्यार देते रहे हो आप ऐसे हमें प्यार करते रहिए, एंड वी प्रॉमिस ऑल टू कीप अप द गुड वर्क, हमेशा ऐसे हम आपको हंसाते रहेंगे, हर एक वीडियो जो भी हम लाएंगे वो आपके चेहरों पर स्माइल छोड़ के जाएगा, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए प्यार करिए। थैंक यू थैंक यू सो मच।
sing. The song is amazing. Jannat is looking beautiful, and Faizu and Jannat ki chemistry is amazing as well. And song, and I think overall ye gana bahut 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 pyara hai. And I'm sure ye meri wo night playlist hoti hai na jo aap pure time sunte rehte ho. So definitely usme hone wala hai. I think मैंने अभी एक sad song किया था बेकद्रा and I think I really like such songs, a little senti and with a happy ending. So I really think it's trending and I really like soft and sad music more. So there's a song coming up very soon Ash King के साथ and that's a song as well as music video. And जब shoot शुरू होगा serial का तब मैं आपको बताऊंगी, तब मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगी आप लोगों को बिग न्यूज़ देना rather than अभी. So I'm waiting for it. I'm waiting for the shoot to start. जब शुरू होगा तो आपको पता चलेगा. Yes. I really, really think कि शो को बंद हुए थोड़ा टाइम हो गया and still people are still loving me and supporting me. So I really, really appreciate that. I'm grateful कि आप लोग इतना प्यार कर रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो, Instagram के थ्रू इतने प्यारे मैसेजेस करते हो and you wait कि next कब आएगा and I can definitely assure you that बहुत जल्दी कुछ अच्छा आने वाला है. So wait for it and you won't be disappointed. Thank you. Thank you. मैं तो पहले मुबारकबाद दूंगा जन्नत को, फैजल को और राम जी को, तो बहुत ही अच्छा इन्होंने गाना कंपोज करा, लिरिक्स लिखे, बहुत ही कमाल लिरिक्स लगे मुझे, गाना बहुत अच्छा है, वीडियो बहुत अच्छा शूट हुआ है, तो मैं आज मुबारकबाद देने ही आया था. जो बगल में बैठा हो पहले उसी के बारे में बोलना चाहिए, मैं इनके साथ करना चाहूँगा. आज का वीडियो खैर मैं जब सुबह उठी थी मैंने यूट्यूब खोला और जब मैंने गाना सुना मुझे बहुत पसंद आया. सो जन्नत को, फैजल को और राम जी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी. बहुत ही प्यारा गाना है और समहाउ मुझे पंजाबी बड़ी पसंद है. और यस, होपफुली मैं और सिद्धार्थ बहुत जल्दी काम करेंगे साथ में. वी जॉनर तो मुझे भी देखिए ऐसा मैंने कभी सिवाय कॉमेडी के अभी और कुछ ऐसा कोई पर ये पूरा छुपा रुस्तम है, मैं बता रही हूँ, ये बहुत छुपा रुस्तम है, इसे बोलते हैं कॉमेडी है, ये बहुत सारे इमोशंस कर सकता है. सो आई एम श्योर जो भी होगा ना बहुत ही मज़ेदार होगा, पब्लिक को बहुत पसंद आएगा. थैंक यू बिल्कुल 100% बिल्कुल हो सकता है, पार्टी नंबर हो सकता है, रोमांटिक नंबर हो सकता है. और अगर पट आई तो मैंने ऐसा कुछ प्लान किया नहीं है, पर मैं हम लोग कुछ प्लानिंग में हैं. पर्पस आर इवेंट कंपनी के आर्टिस्ट हैं तो शेखर फोरम ऐसे तो हम लोगों को करने नहीं देते हैं, उनके हिसाब से ही चलना पड़ता है. बहुत अच्छी वैसे भी मतलब अगर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे देखा जाए उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो वो दिखिए ऑन स्क्रीन, वो बहुत अच्छी है. मेरा तो अभी तक अकाउंट भी मैंने नहीं बनाया था, बट आज ही रात से कुछ ऐसा मेरे दिमाग में आया है, टिकटॉक पे भी अब मैं आ रहा हूँ. हाँ मैं कोशिश करूँगा, फैंस जितना अच्छा बना रहे हैं लोग, कितने टैलेंटेड लोग हैं, मुझे लग रहा है मैं इनको बीट कर पाऊँगा कि नहीं, कितने कमाल टैलेंटेड लोग हैं. टिकटॉक ओके, पहले मैं बहुत वैसी थी कि यार टिकटॉक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट अगेन आफ्टर फोरम ने, जो हम दोनों की म्यूचुअल फ्रेंड है, फ्रेंड क्या फैमिली बोलेंगे, तो आफ्टर उसने कहा तो मैंने ज्वाइन किया एंड समहाउ आई एम एंजॉयिंग इट यार, बड़ा फन है. सो इट्स फन एक्चुअली. मैं भाई पर्सनली आपसे तो शेयर करता ही रहता हूँ, आपके पास तो अच्छा पहले जानकारी पहुँचती है, बट एक महीने के अंदर एक अच्छा शो के साथ आप लोगों को मैं पक्का इन्फॉर्म करूँगा, फ़ोन करूँगा, मिलाऊँगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू भाई. बहुत ही फखर फील हो रहा है, बहुत ही खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग. अच्छा, क्या डिस्कशन हुआ था वीडियो करने से पहले फैज के साथ, ऐसे डिस्कशन कैसे शुरुआत करने वाले हैं?
नहीं नहीं ऐसा कुछ भी कुछ डिसाइडेड नहीं हुआ था और सब मतलब पहले एंटरटेनमेंट के हिसाब से करते थे, मतलब इसको कुछ प्रोफेशनल वे में सोचे नहीं थे। और आज भी मतलब अभी रिसेंटली ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, अभी थोड़ा मतलब पंचुअल हो गए, नहीं तो पहले तो मतलब शौक के हिसाब से करते थे। लोगों का इतना प्यार मिलने लगा तो वो वजह से और हम लोग का मन भी लगने लगा ये सब चीज़ में। हाँ फेसू की क्वालिटी तो सर बहुत है, मेरा कॉलेज फ्रेंड है, कॉलेज टाइम से हम लोग ग्रेजुएशन साथ में किए रिजी कॉलेज से, मैं हसनैन और हम लोग एक बाइक पे ट्रिपल घूमते थे। हाँ कॉलेज ट्रिपल सीट घूमते थे, साथ में नाश्ता करते थे, कार्ट रोड पे मस्ती करते थे और कॉलेज बंक करते थे बहुत बंक करते थे, मतलब रिसर्च के बाद के जो लेक्चर देते थे ना सब बंक करते थे, खाने जाते थे तो आते ही नहीं थे वापस। और इन लोग सब तो मतलब एक दो जगह से हो जाता था, मेरे को वो टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा ही जिम फ्रीक था, बहुत डाइट एंड ऑल यू नो ना, तो जबरदस्ती बोलता बहुत भूख लगती थी, एक साथ तीन तीन जगह इन लोगों को लेके आता था, हर आधे आधे घंटे में मुझे भूख लगती थी तो मेरे साथ साथ इन लोगों को भी लेके आता था। मैं तो साथ में पढ़ाई नहीं किया, मैं कुछ बता नहीं सकता, बस उसको ये बोल सकता हूँ कि मेहनत बहुत करता है बंदा, वीडियो बहुत बनाता है और टाइम पे खाना नहीं खाएगा मगर वीडियो बहुत अपलोड करेगा, कंटेंट भी उसके क्रिएटिव रहते हैं और हटके रहते हैं, यूनिक रहते हैं, रात भर कंटेंट ढूंढना पड़ता है फिर पूरा सुबह बनाना चालू करते हैं। बहुत अच्छी लगी और लोगों को भी बहुत जोड़ी पसंद आ रही है, पहले से ही मतलब देखना था एक साथ, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और गाना भी बहुत ही अच्छा है तो, और रिव्यू भी अभी तक इतने कम टाइम पे नंबर वन ट्रेंडिंग पे आ गया तो। और इनका सबसे पहला वीडियो था जो टॉम एंड जेरी टिकटॉक बनाए थे लोगों ने एयरपोर्ट पे, वो बहुत वायरल हुआ था तो वहाँ से मालूम पड़ गया कि लोगों को इनकी जोड़ी पसंद आ रही है। कुछ तो है दोनों, कुछ तो है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।